हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और मैं SS3 की जो स्टोरीज हैं धीरे धीरे अपलोड करने के लिए सोच ही रही थी। मैंने कहा चलिए शूट कर लेती हूँ, एक एक चीज जो धीरे धीरे परत दर परत खुलकर मेरे सामने आ रही है, क्यों ना ऐसा करूं कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। लेकिन इस बीच होता यह है कि मुझे आप में से एक दो लोगों ने एक मैसेज भेजा और मैंने भी खुद उस मैसेज पे काम किया और फिर जो न्यूज मेरे सामने आती है वो थोड़ी सी दिल को दुखाने वाली और दिल को एकदम धक्का पहुंचाने वाली आ जाती है। फ्रेंड्स, मैं इस बार SS3 की बात नहीं करते हुए मैं SS2 की बात कर रही हूँ और वो इसलिए क्योंकि SS1 और SS2 में जो एक बहुत प्रोमिनेंट जज बनकर नजर आती है, दैट इज अलका याग्निक जी। यार 80s 90s में तो धमाल मचा कर रखा था इस गायिका ने, इतने सुंदर इतने मीठे गाने गाती हैं और जब भी सामने आती हैं तो एक हल्की सी स्माइल रहती है। इंटरव्यू के दौरान भी शी इज वेरी पर्टिकुलर कि हम इस बारे में बात करते हैं, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। सो एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो आई लाइक दिस एटीट्यूड कि सामने वाला पहले ही बता रहा है कि इस विषय पे हम बाद में बात कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब मैं मिली भी थी तब उन्होंने SS2 के रिजल्ट्स के बारे में बात की, फिर ये भी कहा, मैंने उनसे पूछा था वो आपकी छड़ी कहाँ है, तो बोले वो छड़ी मैंने छुपा कर रखी है, फिर कभी काम आएगी तो दिखाऊंगी आपको। वो पवनदीप अरुणता की भी तारीफ करती हैं, इनफैक्ट बहुत सॉफ्टर चेहरा बनकर आती हैं जब भी वो SS2 में जज की सीट पर भी बैठती हैं और मतलब जहाँ स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है वहां वो स्ट्रिक्ट हो जाती हैं और जहां पर एकदम एक वो होता है ना, एक फेमिनिन टच चाहिए होता है किसी बच्चे को कि ओके तुम अगली बार गा लो या फिर और थोड़ी सी पढ़ाई करके नेक्स्ट टाइम आ जाना, तो एक बहुत बैलेंस जज लगी है वो मुझे। गायिका तो कमाल की है ही लेकिन वो जज के तौर पर मेरी वन ऑफ द फेवरेट जजेस में से रही है, लेकिन उनके साथ ऐसी कोई घटना होती है जिससे मेरा दिल दुखता है और सिर्फ दुखता ही नहीं है, मैंने कहा यार अब चूंकि कभी कभी ऐसी खबरें भी आपके सामने लानी जरूरी हो जाती है जो डिस्टर्ब तो करती है लेकिन खबर होती है और वो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए वो लेकर आ रही हूँ। फ्रेंड्स, अलका याग्निक जी की बात कर रही हूँ। अलका याग्निक जी ने हाल ही में एक पोस्ट डाला है और मतलब मैं क्या बोलूँ, कुछ घंटों पहले डाला हुआ है और थोड़ा सा शॉकिंग था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि टू ऑल माई फैंस फ्रेंड्स फॉलोअर्स एंड वेल विशर्स, A few weeks ago, I walked out of a flight and I suddenly felt I was not able to hear anything. मतलब उनको कुछ ऐसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम वायरल फीवर के चलते हो गई थी जिनसे उनके सुनने की जो श्रवण क्षमता है उस पर असर हो गया था और मतलब अभी उन्हें हियरिंग लॉस की वो बात कर रही हैं, ओके? और ये इतना सडन और इतना मेजर था उनके लिए कि उनको भी संभलने में थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपनी बची खुची जितनी भी हिम्मत है उसे शी कलेक्टेड हर करेज एंड शेयर दिस पोस्ट और मतलब दिल तो दुखा है मेरा भी ये जानकर, क्योंकि एक सिंगर जितना अच्छा कंठ से होना चाहिए उतना ही उसका श्रव्य भी अच्छा होना चाहिए, तो बहुत जरूरी है कि एक बेहतरीन सिंगर बहुत अच्छे से सुन सके। द रीजन बिहाइंड गाना तो म्यूजिक डायरेक्टर ही बताएगा ना, और हमारे जीवन की ज्ञानेंद्रियों में से श्रव्य ज्ञानेंद्रिया बहुत जरूरी पड़ती है। ऐसे में उनके बहुत सारे जो साथी कलाकार हैं, साथी सिंगर्स हैं, चाहे वो सोनू निगम हो, शंकर महादेवन जी हो, इलारुन जी हो, या फिर फॉर दैट मैटर आकृति कक्कड़ जैसी नई कलाकार हो, और भी कई सारे लोग हैं, अलीशा चनॉय, उन्होंने भी रिएक्ट किया है और अपने तरीके से उन्हें हिम्मत बंधाने का काम किया है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, अलका जी वायरल फीवर है, कभी कभी इम्पैक्ट इसका दो दो महीने तक रहता है ऐसा मैंने सुना है। तो मैं तो और इनफैक्ट मैं चैनल पे जितने भी फिल्मी खिचड़ी की फैमिली मेंबर्स जुड़े हैं उन सभी से एक बहुत प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चलिए हम भगवान से मनाते हैं कि उनको ना इस तकलीफ से जल्दी से बाहर निकाल ले, क्योंकि यार एक ह्यूमन बीइंग इतना सुंदर जब कलाकार हो तो उसे छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी ना दिल को दुखा कर जाती है।
तो अलका जी आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है, और आपको ठीक होके ही लौटना है। मैं आपको और बहुत सारे रियलिटी शोज में जज बने हुए देखना चाहती हूँ, और अभी तो SS3 चल रहा है, बतौर गेस्ट ही आ जाइए, हमारे दिल की इच्छा पूरी हो जाएगी। जय हिंद।